नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने किसान नहीं मवाली हैं वाले बयान पर माफी मांगी है। गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बयान दिया था, जिसके बाद उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हुई थी। मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसानों से कोई लेना देना नहीं था। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने कहा कि मेरे किसानों से संबंधित बयानों से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेगासस के खुलासे पर थी और उसी दौरान उनसे ये सवाल किया गया कि 26 जनवरी को जो अपमान किया गया उस पर आप क्या कहेंगे। मीनाक्षी लेखी के मुताबिक इस पर उन्होंने कहा कि ये किसानों का काम नहीं हो सकता, ये मवाली लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करती हूँ जो लाल किले को अपमानित करे। आइए सुनते हैं क्या कहा मीनाक्षी लेखी ने। देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो पूरी प्रेस थी वो येलो पेजेस से येलो जर्नलिज्म तक की थी और वो प्रेस का किसानों से कुछ लेना देना नहीं था। और उस प्रेस के अंदर मेरे से सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया और लाल किले जैसी धरोहर का अपमान किया, उनके विषय में आपका क्या कहना है। जिन लोगों ने प्रेस के व्यक्ति को साथ मारपीट की, खून निकाला और बदसलूकी की, उसके विषय में आपका क्या कहना है। तो मैंने कहा कि ये किसानों का काम नहीं हो सकता, ये तो मवाली लोगों का ही काम हो सकता है। वो मवाली है, ये मैंने कहा। तो इस विषय को जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, या तो वो येलो जर्नलिज्म का परिचय दे रहे हैं या अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे बदनाम लोगों के साथ खड़े होना भी मैं उसको अपमान समझती हूँ। और साथ ही बहुत ही दुखद घटना है कि ऐसे लोगों के साथ देश की राजनीतिक दल खड़े हों जो मारपीट करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं और भारत की धरोहर के साथ तोड़फोड़ मचाते हैं। मीनाक्षी लेखी के अपने बयान पर सफाई देने पर अब किसान नेता राकेश टिकैत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। टिकैत ने कहा कि हम किसी महिला से माफी नहीं चाहते, बल्कि इसके लिए बीजेपी को अन्नदाताओं से माफी मांगनी चाहिए। देखो, जो उन्होंने बयान दिया, आपने कल ही कहा था कि ये इनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, यहाँ पे एक टीम बनी हुई है बीजेपी में, वो लिखत पढ़त में किसी न किसी आदमी को बयान देती है। उसने वो बयान उनको लिखित में बयान दिया, उनने बयान पढ़ा, उनको जब जानकारी नहीं है किसी के बारे में, आप अनाप शनाप बयान दोगे। और रहा माफी का, हम महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते। हम खाप पंचायत के लोग हैं, हम पंचायती सिस्टम के लोग हैं, गलती कर दी, गलती तो माफी तो बीजेपी मांगे, एक महिलाओं से माफी हम मंगवावे। और उन्होंने सॉरी फील कर दी, ठीक है अपना वो करो, लेकिन किसी के कहने से बयान नहीं देना चाहिए। जब आपको पता नहीं तो नहीं बयान देना चाहिए उनको, किसी को भी। अब जब उन्होंने माफी मांग ली है तो अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, होगा खत्म हो गया, हम क्या कोई वो करते फिरे भाई। वे उन्होंने किसी के कहने से बयान दिया, अपना सॉरी फील कर दी, बट ठीक है। तो आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से उनकी बजाय बीजेपी माफी मांगे? अरे मांग रखी, बस कह दिया, बस जिसने कह दिया उसी नहीं अपना सॉरी फील कर दिया, आगे ध्यान रखे। गौरतलब है कि मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो किसान नहीं मवाली है, ये आपराधिक कृत्य है। 26 जनवरी को जो हुआ वो शर्मनाक और आपराधिक गतिविधि थी। विपक्ष ने ऐसी हरकतों को बढ़ावा दिया है। मीनाक्षी लेखी के इसी बयान की चौतरफा निंदा हुई थी और उनसे इस्तीफे की भी मांग की गई थी, लेकिन जब इस बयान से विवाद बढ़ने लगा तो मीनाक्षी लेखी ने सफाई देते हुए माफी मांगी और अपने बयान को वापस ले लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।